बिनु आज बनाएको ब्लॉगर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुल्लू ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं, मैं, मेरे मासी की बेटी और मेरी बहने, हम सभी आए हुए हैं मेरे मासी के घर। वो थोड़े से बीमार है तो उनको देखने के लिए आए हुए हैं। और मेरे साथ है ये लोग, यहाँ देखिए आप, इसका नाम ईशा है, इनका नाम गीता देवी, और बिंदु, हेमा, मैना। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। नीचे से हम आए चाचा जी के साथ गाड़ी में यहाँ तक, बस आती थोड़ी लेट, तो अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ गांव का नाम है पद्दर गांव, तो पद्दर गांव में हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाने वाले हैं दोस्तों अपनी नानी के घर। आज वहाँ भी जो है मेरे मामा का बेटा थोड़ा सा बीमार है, वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं हम। सो हम सब जो है एक साथ ही चल पड़े हैं। तो चलो देखते हैं कैसा रहता आज का दिन हमारा। की लाई दी है ये जी मासी, ये देखो जी ये भी मासी भी निकाली जा रही है देसी घेरी की सब्जी। तो ये है पार्थ की सब्जी, पार्थ देनी आ सब बाजी की नहीं देनी की नहीं सचोल नहीं मासी देनी बाजी नहीं देनी की चल पार्थ पर खोनी है बस बाजी चल 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 मज मज चलियो ये आ गई राव लोड दे होला और दे दिए पार्थ खा से तेरे बाजी हूं ते खाई रे तेरे बाजी कंडी हो मीठी हो को जाना अड़ी बेटी जोंग मोशी मो थोड़ी मोशी बिनो वक्त से जवा एक को लोक रहे अगली है कंडी हाँ फिर वाला कंडी ऑल दी दीदी तो दोस्तों अभी हमने सब्जी निकाल ली है। तो यहाँ अगर आपको पता ही है सब्जी ले जाएंगे, बढ़िया घर जाके खाएंगे मजे लगा के, क्योंकि आजकल जो हमारे लोअर बेल्ट में जो वो सब्जियाँ खत्म हो चुकी है, तो यहाँ से जो भी मिलेगा हम लेके जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पानी जो है वो सीधा ही पहाड़ों से आता है डायरेक्ट, जो अपनी पाइपें जो है लोगों ने बिछाई हुई है, तो बढ़िया नेचुरल पानी। तो यहाँ से दिख रहा है बिजली महादेव सामने, बिल्कुल सीधा सामने बिजली महादेव, ये देखो जी बिजली महादेव का मंदिर भी दिख रहा होगा आपको यहाँ से थोड़ा सा। तो इनके घर से जो है कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो अभी निकाले जा रहे हैं यहाँ पर मीठे करेले की सब्जी, सब्जी सब्जी है भाई यहाँ पर ये जी मीठे करेले बढ़िया वाले, कड़वे करेले तो देखे होंगे आपने, मीठे करेले भी। चल पार्थ चलते ऊपर, चल फिर जा भैया के साथ जाओ बोल ऊपर जाओ चले चल चल फिर चल फिर मैं खाना खा लिया क्या चॉकलेट चॉकलेट कुरकुरा खत्म चलो फिर जी। हमारे जो मिस्त्री है खुद ही जो है इन्होंने कमरे को बढ़िया जंग से पहले की हुई है देखो भाई। तो अभी हम करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट ही होगा हमारा, लंच तो हम नानी के वहाँ जाके करेंगे। तो अभी यहाँ पर देसी घी का डब्बा खुल गया है और जो है देसी घी के साथ जो बढ़िया सा खाना खाएंगे। तो अभी जो है हमारी दीदी बैठी हुई है वहाँ पे, ये जो हमें खाना निकाल के देगी बढ़िया से। बैठो 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 एक ही बीच में तंदूर की जगह जो है यहाँ पर हीटर लगा हुआ है। यह है दोस्तों शहद इनका अपना प्योर शहद, तो अभी हम शहद के साथ खाएंगे खाना, पालतू मधुमक्खी का बिल्कुल भाई।
तब किसी से खाना रुका दे भाई पहल किन बोलू तो दोस्तों अभी जो हमने खाना खा लिया है साथ में जो है शहद के साथ खाना खाया बहुत ज्यादा मजा आया भाई कसम से और थोड़ा सा शहद जो है मैंने घर के लिए भी ले लिया है बढ़िया है नानी घर के लिए मासी भी जो है साथ में चल पड़े तो अभी जो है हमने जो है जितने बैग यहाँ पर लाए थे उतने ही भर के वापस ले जा रहे हैं सब्जियाँ सब्जी डाल के मुझे तो शहद भी मिल गया है तो मजा आ गया मतलब मजा ही आ गया तो अभी निकलेंगे हम यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दूर है इतना तो दोस्तों ये अभी जाएंगे हम सड़क से परे किनारे तक फिर वहाँ से जो है हमें मिलेंगे रास्ते जो है पैदल रास्ता होगा अभी भी पैदल ही है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मतलब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं ये बिजली महादेव की पहाड़ी है और बिजली महादेव के साथ ही जो पीछे देखो आप देख सकते हैं बिजली महादेव से भी ऊँची ऊँची पहाड़ी दिख रही है यहाँ से और बर्फ़ वाली पहाड़ी दिख रही है देखो मतलब बिजली महादेव के पीछे जो पहाड़ है वो दिख रहे हैं यहाँ से इतनी मतलब ऊंचाई पे हम अभी खड़े हैं तो दोस्तों भारत माता का झंडा साथ में मोदी जी और जयराम जी का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे ये जो है गुस्से मारते मारते हुए चले हुए हैं अगर सफर में गुस्से चले तो फिर सफर जो बहुत छोटा हो जाता है तो दोस्तों अभी जो हमें मिल चुकी है लिफ्ट बढ़िया भाई मिले हमें जबरदस्ती डाल दिया हम सबको अभी जो आलू की बोरी की तरह पड़े हुए अभी छह लोग यहाँ आप देख सकते हैं और मासी और मैं हम दोनों आगे बैठे हैं और भाई जो है ड्राइव कर रहे हैं तो भाई जो यहाँ पर सवारी छोड़ने के लिए आए हुए थे कुल्लू से तो हमें लगा चलो नीचे तक लिफ्ट मिल जाएगी वहाँ से जो है नानी का घर थोड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों अभी जो हमें जबरदस्त वाली लिफ्ट मिली भाई कसम से मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे कम से कम 35-40 मिनट लगने थे पैदल ही तो वो पैदल चलने से जो हमारी जान बच गई भाई ने जो खुद ही गाड़ी रोकी और बोला कि हम आप बोला मैं आप सबको पहचानता हूँ मैं बैठ जाओ आप सात के साथ जो साथ नहीं आठ है हम आठ डाल दिए अल्टो में बढ़िया पैकिंग करके तो अभी पहुँच चुके हम बस यहाँ से हमारी नानी घर बहुत नज़दीक अब ये पहुँच गए भाई चलो चलो रामनी के ना तो दोस्तों ये दिख रहा है सामने मामा जी का घर नानी का घर तो अब हम पहुंच चुके हैं मतलब चुके भाई हम यहाँ देखो जी छली रखी हुई है छत पे ये पहुंच गए थे दोस्तों यहाँ की एक अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं यहाँ से जो है सामने कुल्लू दिखता है सीधा ही वहाँ से जो है हमें बुंतर दिख रहा था थोड़ा समझ सकते हैं कि हम कितनी दूर पहुँचे हुए हैं ये मेरी नानी का घर ये ठाकर भाई नीचे भाई भाई पकड़ी रखे बारा ये भाई जो जानबूझ के मार को डराने के लिए जो अपने कुत्ते को भगा रहा है भड़का रहा है मतलब बोले भाई बातचीत करते हुए बहुत दिनों बाद आए हुए हम मामी जी की एंगेज करने के लिए मामी जी को देखने के लिए मामी जी जो है इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो अभी जो इनको देखने के लिए आए हुए और अभी जो हम सभी जो है यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे थे फोटो सेशन चला हुआ था हमारा तो अब थोड़ी देर अपने खाना खुना खा लेंगे और निकल जाएंगे घर के लिए ये जी मारे नानी जी ये असली नानी कौन सा
ओए आज ओए भाऊ बाय 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 आना तूने चलो 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 ये जी खाली बैग लाई थी इन्होंने, फुल फुल जो है बैग डाल के चले हुए हैं पीठ में। ये देखो जी, ये देखो नानी के घर से भरी भरी बैग ले जाते हुए। ये देखो दूसरा बैग, यहाँ देखो कैसा लग रहा है फिर इस तरह यहाँ से चोरी करके। फुल फुल बैग भाई, कसम से दीदी। दोस्तों अभी हम वापस चल पड़े हैं नानी के घर से, तो अभी जो है जितने भी लोग आए सभी ने जो है एक बैग डाला हुआ है, किसी ने मिर्च डाली हुई है, किसी ने सब्जियां डाली हुई है, जो भी मिल रहा था मतलब डाल दिया इन्होंने। अभी जो है बैग तो थे नहीं, तो सभी ने अब अपने दुपट्टे का जो बैग बना दिया है। यहाँ देखो, ये देखो जी दीदी की है ना, गेरी कद्दू और मिर्च इसमें। ये देखो जी आगे किस तरह बैग डाले हुए हैं फुला फुल। ये देखो जी तो निकलेंगे अब पैदल यहाँ से अपने घर के लिए जहाँ से हम आए थे। अभी तो बस भी नहीं मिलेगी उनको, लेकिन हमें जो बस मिल सकती है अगर हम टाइम पे सड़क पर पहुँच गए तो हमें बस मिल जाएगी घर तक। तो चलो देखते हैं बस मिलती है या नहीं, निकलते हैं अब जल्दी से मास्टर गियर को यहाँ से ही बाय बाय करते हैं। जैसे इस जगह पर पहुँच जाते हैं ऐसा लग जाता है कि घर ही पहुँच गए, क्योंकि यहाँ से सामने दिख जाते हैं अपने घर दिख जाते हैं नीचे यहाँ से। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, धूप भी चली गई है, अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो भाइयों अभी हम पैदल ही चल पड़े हैं क्योंकि बस का जो टाइम हो चुका था 4:10 पे बस आती है, वो तो हमें यही हो गया यहाँ से। अगर सड़क तक पहुँचना हमें तो हमें लगेंगे कम से कम 20 मिनट, तो हमें लगे बस छूटेगी तो वहाँ से फिर ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो अभी हम निकलेंगे शॉर्टकट ही जहाँ से हम बचपन से आते रहते थे नानी के घर, पैदल रास्ता। तो पैदल भी उतना टाइम लगता है यहाँ से ज़्यादा 25 से मतलब आधा घंटा रख दो, 20 मिनट अगर जल्दी जाएंगे तो 20-25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे घर तक। आज से 10 साल पहले जो है हमें पानी की सप्लाई यहाँ से ही आती थी, यहाँ पे एक बॉडी होती थी, पानी होता था, जी वो पानी है ना, तो यहाँ से होता था पानी यहाँ अंदर, मुझे याद है हम पिया करते थे यहाँ पे। तो अभी जो है कुछ हालत कुछ ऐसी हो गई है यहाँ की बॉडी की। तो दोस्तों ये यहाँ पर बुआर है, पिछले कल गए थे बुआर लाने के लिए खराल घाटी में, पर सामने झाड़ू लाने के लिए, बुआर बोलते हम झाड़ू। तो यहाँ तो देखो कितनी अच्छी है, पर यहाँ नहीं लोग आए, परे चले गए, क्योंकि परे वाले जो ज़्यादा मजबूत बोलते हैं। तो यहाँ से जो है हम पहुँचने वाले, और पहुँच गए हम बहुत नज़दीक करके, पहुँच जाएंगे हम 15-20 मिनट में। दोस्तों मैं और दीदी तो आए पैदल ही घर सबसे आगे, दौड़ के हमें लगा कि हम सबसे पहले पहुँचे, लेकिन वो लोग जो है लिफ्ट में आए हैं। दीदी तो कर रहे रेस्ट, घर जाना भाई, घायल हो गया इतना चल के, कसम से यहाँ से दिखाता हूँ आपको जो ये ऊपर दिख रही ना वो चोटी, यहाँ से आए हम पैदल चल के, बहुत ज़्यादा दूर था। तो ये भी पहुँच गए, बेश रे बेश, ये पहुंच गए जी। तुस की जिना पर ना है तुस गड्डी ना, ये पहुंच गए जी गैंग। सब्जी मंडी से लाए हुए थे टमाटर और प्याज, वो हमने जो है थोड़े थोड़े बांट लिए सबने। टमाटर पड़े मार को 40 रुपये किलो, ऐसे मंडी में अगर ऐसे दुकान में लेने हो तो 70 रुपये किलो है ना। तो एक कट्टा जो है प्याज का भी लाया है, प्याज उतना अच्छा नहीं है लेकिन जो है चलाना पड़ेगा भाई, आ गया मंडी से, सब्जी मंडी से लाया। ये पड़ा है 6.5 का पड़ा है, पूरा ही तोड़ा, ये पूरा ही कट्टा। तो अभी जो है सभी जो है बांट रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए जो हम इकट्ठे ही खरीद लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी बांट लेते हैं सब। दिवाली में जो मैं इन फूलों को ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहे थे कहीं भी। यहाँ पर देखो अभी भी बिल्कुल बढ़िया चमक रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम जो है पहुँच चुके हैं घूंगर गाँव में, बस अब जो है सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। तो अभी मेरे साथ जो है मेरे मासी और दीदी आगे आगे चले हुए, बाकी बहनें जो है वो पीछे से आ रहे हैं। तो
दोस्तों उस वक्त हम दिखा रहे थे आपको बिजली महादेव जो है कुछ इस तरह से दिख रहा था, मतलब कि सामने की तरफ अभी जो है बिल्कुल आमने सामने हो गया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा गांव भी दिख रहा है नीचे, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपना बल वाला एरिया दिख रहा है। सो अभी जो है यहाँ तक हमने जो है पैदल ही जाना है भाई, जो ये नीचे मकान दिख रहे हैं ना ये सामने, यहाँ तक जो है पैदल ही चलना है हमने वापसी में भी। तो काफ़ी चल के जो है अभी जो है जब हम बचपन में आते थे इस पेड़ के नीचे जो है आराम करते थे जब नानी घर आते थे, तो अभी भी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है पहुँच गए लगभग। तो दोस्तों सभी निकल गए अब अपने घर और मैं जा रहा हूँ अभी दीदी को छोड़ने छुरला गाँव। तो आज के ब्लॉग को ख़त्म हो चुका है हमारा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।